नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन टेडर में। मैं जस्ट अभी अभी एनालिसिस करके हटा हूँ और वो वीडियो पोस्ट हो रही है, ठीक है, पहुँच जाएगी आपके पास। 14% हो चुकी है। तो अब अगला एनालिसिस अब जो है शुरू कर लेते हैं गाइस, और इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सीधा मंथली चार्ट का एनालिसिस है। क्यों मैं कह रहा हूं कि निफ्टी अगले 2 से 3 महीने में 16,000 के नीचे जाएगा, क्या रीजन, क्या कारण, ठीक है, ये भी तो बताना जरूरी है ना आपको। मेरा पहला फर्ज, मेरा पहला मोटिव ये है कि जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं सीख चुका हूं, जो मुझे आता है, जो भी छोटा मोटा ज्ञान है, मार्केट इज सुप्रीम भाई। जो मार्केट आपको 85 का विक्स दिखा सकता है, पी 50 के लगभग दिखा सकता है, ठीक है, सारों ने फॉर्मूला चेंज कर दिया, वो मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट जो पीछे का डेटा है, जो पीछे की चीजें बोल रहा है, जैसा आज तक होता आया है, वो मैंने जो पढ़ा है दोस्तों, यकीन मानिएगा, ये यहाँ पे 1996 से लेके एक एक मंथ का, एक एक वीक का, एक एक डेली चार्ट मैंने पढ़ा है तसल्ली से। 6-6.5 महीने मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मतलब ये पीछे क्या बिहेव, क्या पैटर्न, एक बुक भी है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसने मेरी नॉलेज बहुत बढ़ाई थी। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको RSI बताया कि यहाँ तो डेली हाई लग रहा है, RSI ऐसे जा रही है तो माल चिपकाया जा रहा है। आप बहुत ऐसे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। RSI की जो मैंने जो वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल का, जो टेक्निकल आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, मैं आपको इसको शुरू करने से पहले एक बार बता दूं, आप YouTube खोलिए, ठीक है, और किसी को अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट खोलना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है, वो भी वीडियो अपलोड होगी, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे अब स्टॉक्स में बस ये है कि जैसे 16,500 की पुट आज नहीं, ये मैंने तो भाई बाई की है दिसंबर एंड की, 16,500 की पुट बाई की है, उसका क्या कहते हैं, जीरो था, बाई नहीं करने दे रहा था, कह रहा था 16,900 के, 17,000 की। अब स्टॉक्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अब स्टॉक्स में जिसको अकाउंट खोलना है वो खोल सकता है, वहां पर लिंक है, ठीक है। यहां पे जो नए लोग हैं दोस्तों जाइए, ठीक है, मेरा चैनल खोलिए एक बार, और यहाँ प्लेलिस्ट, ठीक है, ये जो टेक्निकल एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट है, इसमें RSI के बारे में मैंने बताया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने तरीके से, यू विल बी अमेज्ड कि ऐसी चीजें पता लग जाती हैं, ठीक है। लोग पैसे लेते होंगे पक्का बताने के, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए ऐंठते होंगे आप लोगों से, रिटेलर से, ठीक है, जो मैंने बताया है, ठीक है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट फंडा मैंने बताया, गैप अप गैप डाउन कैसे खेलना है वो मैंने, EMAs मैंने बताए, तो प्लीज बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज डाली हुई है, ठीक है, देखिए उनको समझ में आएगा। और जिसको क्या कहते हैं अकाउंट खोलना है, कोई भी वीडियो मेरी खोले और उसका डिस्क्रिप्शन में जाए, डीमैट अकाउंट खोल सकता है, डिस्क्रिप्शन का लिंक फॉलो कर सकता है। अब आ जाइए अपनी क्या कहते हैं एनालिसिस पे दोबारा से। ये दोस्तों है निफ्टी का मंथली चार्ट, ठीक है, यहाँ पे 1995 से लेके शुरुआत हुई है और 17,320 पे आज खड़ा हुआ है 2021, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ, चलो इसको भी रखते हैं क्योंकि इसको भी मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपके सामने एक बार 10 EMA लगाता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज, पता है मुझे आज की वीडियो में भी काफी लोग बोले अब डपोर संग हूँ तभी तो 10 दिन मांगे थे, नहीं है बस का तो क्यों लेते हो यार ये, ठीक है, ये है लाल रंग की लाइन, यह है ग्रीन कलर की लाइन, यह है आपका 10 EMA में, यह है आपका 20 EMA, ठीक है, एक कैंडल एक मंथ को बताते,
तो फिलहाल मैं 20 एमए एक बार हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये देखिए लाल, ठीक है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ये जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करके आपको बताना चाहूंगा, समझिएगा दोस्तों, बहुत बहुत आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। पहला हिस्सा ये, ठीक है, ये हमारा पार्ट वन, ये वन, इसके बीच में एक बार हम निफ्टी का मंथली चार्ट विद रिस्पेक्ट टू 10 ईएम में स्टडी करते हैं, जो पहली गिरावट है अपनी इतिहास की, यहीं से आई थी। ये आ गया चार्ट हमारा सामने, ठीक है, ये दो लाइनों के बीच में, ये है दोस्तों 10 ईएम। आप देखिए इसके बीच में गैप कितना रहता है, ये है आपका 2004 का जैन मंथ, ठीक है, यहाँ पे टॉप है 2025, इस मंथ का जो टॉप है, आप यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, हाई एंड लो देखना, हाई देखना कितना है, 2014 है हाई, सॉरी, ठीक है, और 10 ईएम में चल रहा है बिल्कुल इसके, जब ये मंथ चल रहा है इसके नीचे 1500 पे, तो लगभग इससे 1000 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट नीचे, और इतने वाले इंडेक्स में 500 पॉइंट नीचे बहुत बड़ी बात है। तो अगले तीन मंथ में इसने आके इसको छुआ, आया छुआ इसको, और कितने मंथ इससे अलग रहा था, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इससे अलग रहा, तो 11वें मंथ में आके इसने इसके दर्शन किए। एक मिनट दोस्तों, हेलो, हाँ 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 तो आप ऐसा करो, 5 बजे मिलो मेरे को, मैं मिलता हूँ आपको 5 बजे, ठीक है, अभी कितना बजा है, 4:10-12 में मैं पहुँच जाऊँगा, आप मेरे को मिलो, ठीक है, ठीक, हाँ, नहीं नहीं मैं बता के आया था उसको, जो भी पेंट वगैरह जो भी है वो सामान आपको दे देगा, वहां से आप मेरे साथ बैठो गाड़ी में, फिर चलते हैं, हाँ होंडा वाले उसमें, ठीक 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 ठीक, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, काम का भी बोझ है, ठीक है, कहाँ था मैं, 10, अरे यार पूरी लैब ही गाड़ दी, सरूर ही टूट गया पूरा का पूरा, हाँ हाँ यहाँ था, ठीक है, ये मैंने आपको 10 ईएम में दिखाया कि भैया ये पहली बार इतिहास में निफ्टी में, मतलब बचपने में, इसका कोई गैप बना, तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ 9 10 11वां महीना ये इसको छूने आया, तो मतलब 2004 जब शुरू हुआ तो 2004 में ये इसको 5वें महीने में इसने इसको छूया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर एक यहां पे गैप बना, ठीक है, 2006, चल तो इसके साथ साथ रहा है, पर आप देखिए इससे दूर कितना है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मतलब उससे जुदा नहीं रह सकता, उसको आया छूने के लिए, तो 2006 वाले साल में फिर से मई के महीने में इसको ये छूने के लिए आया, ठीक है। चलिए ये तो हमने अपना जो पहला हिस्सा था, ये हमने क्या पढ़ा इसमें भैया, कि निफ्टी का जो 10 ईएम है मंथली चार्ट में, वो उससे ज्यादा 10 से 11 महीने 12 महीने से ज्यादा अलग नहीं रह सकता, उसके दर्शन वो करता ही करता है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो है ये, हमें अब यहां से पढ़ना है, ठीक है, और यहां तक पढ़ना,
बहुत ही काम की चीज सिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत काम आएगी। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं अब गिरेगा मार्केट, 15,000 पे क्यों नहीं बोला, 16,000 पे क्यों नहीं बोला, मैं ही था जो बोला आपको अगले वीक में 17,200 भी दिख सकता है। ठीक है, चलिए ये 2009 चल पड़ा, अभी 2010 यहां तो इसके साथ साथ ही चल रहा है, साथ साथ ही चल रहा है। देखिए आप 10 ईएम में क्या चीज है, देखिए हाँ 2014 में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ही इसको छोड़ रहा है यहाँ। ठीक है, और मंथ है आपका मार्च। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब ये शुरू हो गया 2015 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, मंथ काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तेरहवा जो महीना है उसमें भी 9,100 से लेके कितना लो बना 8,280, लगभग 1,000 पॉइंट का, और अगले मंथ में भी इस 10 ईएमए को छूने के लिए ये नीचे गिरा। ठीक है, तो हर एक साल में एक महीना आपका ऐसा आ रहा है जब ये 10 ईएमए को छू रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हुआ। अब हमारा अगला जो पार्ट बनता है वो पड़ता है यहां से, जो 12,430 वाली गिरावट आई थी। ठीक है, इसमें हमें दूरी कहां दिख रही है, इसमें हमें दूरी यहां दिख रही है, तो हम इसको भी एक बार पढ़ देते हैं। ये 2017 आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 2017 में तो इसके दर्शन किए। अब 2018 आया, यहां पे दिख रहा होगा नीचे, तब हम देखते हैं कब इसको छूने के लिए आया। यह है आपका जनवरी वाला मंथ, फरवरी वाला मंथ, फेब, 2017 का फेब। ठीक है, नीचे यहाँ पे मंथ आता है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब 2018 का जैन, 2018 का फेब, 2018 का मार्च, और 2017 के मार्च में, जैन में, फेब में से अलग, क्या कहते हैं, जैन में अलग हुआ था ये रहा, 2017 का जनवरी महीना। ठीक है, अब 2018 का ये है आपका जनवरी महीना। ठीक है, तो करेक्ट यहां पे 12 मंथ हो गए और ये 13 गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक साल में ये छूने के लिए आएगा और 12 से 14 महीने से ज्यादा अलग नहीं रह सकता। 2018 तक का डेटा यही बोल रहा है। ठीक है, आ जाइए आगे, यहां पे भी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये है आपका 10 ईएम में, ये है आपका मंथली चार्ट, ये है हमारी फाइनल रैली जो चल रही है। ठीक है, ये है जून, ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर, लास्ट ईयर 2020 सितंबर, इसमें इसने 10 ईएमए को टच किया था। दिस इज अक्टूबर, दिस इज नवंबर, दिस इज दिसंबर, एंड दिस इज 2021। नाउ लेट स्टार्ट काउंटिंग ऑफ द मंथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अगले दो महीने में एज पर प्रीवियस डेटा, एज पर प्रीवियस चार्ट, किसी भी हालत में ये 10 ईएमए को छूने के लिए आएगा टिल नवंबर एंड। ठीक है, और चलो इस महीने नहीं आता, अगले महीने आए, उससे अगले महीने आए, नवंबर में आए, तो ये 10 ईएमए आपका मंथली चार्ट है, इतना तेजी से मूव नहीं करेगा, अदा हदी आपका 15,700, 750 इतना कुछ आ सकता। तो निफ्टी अगले दो महीने के अंदर अब जरूर गिरेगा, जो दुनिया के बियर्स इंतजार कर रहे थे, भैया 5% भी करेक्शन नहीं आ रही, 5% भी करेक्शन नहीं आ रही। ठीक है, अब आएगी। इसी बेस पे मैंने दिसंबर का अपने टेलीग्राम चैनल पे
16,500 का पुट बोला लोगों को, भाई जिसको खरीदना है खरीद लो, ये सोच के कि भाई जीरो होगा। मेरा जीरो हीरो भी किसी लॉजिक पे बेस होता है, और इतनी जबरदस्त स्टडी पूरे यूट्यूब में आपको कोई बता दे तो मेरे को बता देना, ठीक है। और अपना वेव एनालिसिस तो मैं आपको दे ही चुका हूं भैया, ये पूरा होने की कगार पे है, ठीक है। ये फिफ्थ वेव चल रही है, इसका पूरा जहां मर्जी हो ये, यहां पे मिनिमम एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस रैली का 7,500 से 11 जो स्टार्ट हुई है, उस रैली का 23% करेक्शन तो आना ही चाहिए, ठीक है, जो कम से कम 15,100 के लगभग कुछ आ रहा है, वहां पे भी इसका 10 ईम है। और मेरा जो मन कहता है, जो मेरा टारगेट है, जिसके जो मेरे दिमाग में है, वो है 13,600, ठीक है, जो मुझे लगता है 38.2% तो रिट्रेस होगा ही, इतना तो रिट्रेस होना चाहिए इस रैली, ठीक है। ये है थी दोस्तों स्टडी, आपको जो मैंने बताया है ना, दो अगर कोई जानता भी होगा ना, बिना पैसे लिए नहीं बताया, ठीक है, बिना पैसे लिए नहीं बताया। तो टाइम सितंबर में ही हो सकता है नीचे आना शुरू हो जाए, हो सकता है भैया अक्टूबर में आए, हो सकता है भैया नवंबर में आए, हमने तो नवंबर मैक्सिमम देखा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे वर्स्ट ले लो यार, मैंने दिसंबर का 16,500 का पुट मैंने ले लिया है, एज पर दिस एनालिसिस, एज पर दिस स्टडी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, जिसको लेना ले ले भैया, ये सोच के ले ले कि जीरो होगा, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। तो कुछ सीखने को मिला होगा इस, कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना शेयर कर सके कीजिए, कम से कम जो टेक्निकल एनालिस्ट वाला एक आपके लिए पौधा है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है। यूट्यूब के अंदर सिर्फ अगर मैं पूरे चैनल को काउंट करूं, लगभग 1,000 चैनल होंगे, ठीक है, 1,000 चैनल होंगे, उसमें से सिर्फ 100 ही ऐसे होंगे जो सच में कुछ टेक्निकल आपके सामने रखते होंगे, ठीक है। 900-950 तो लगभग न्यूज चैनल है, वो न्यूज है, वो बताते हैं आज मार्केट में ये हुआ, ये स्टॉक हुआ, ठीक है। अरे एनालिसिस करके बता कि कल क्या हो सकता है, ऐसे बहुत कम लोगों दोस्तों लोग बहुत कम है ऐसे, ठीक है। इफ आई डिजर्व, लगता है आपको कि ये बंदा डिजर्व करता है कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ऐसी चीज को जस्टिफाई करता है, उस वर्ड की इज्जत रखता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये चीज जो मैंने आपको बताई है, इतना कोई पढ़ता ही नहीं है यार, ठीक है, मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आए हो, समझ में आया हो, कोई सट्टा कोई तुक्का मार के नहीं बोल रहा हूं मार्केट गिरे, ठीक है। यहां से लोग ठोके जा रहे हैं, एक बार मुझे भी लगा था, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहां से जब गिरना चालू हुआ मुझे भी लगा कि अब ये अब आएगा छूने के, क्योंकि गैप बहुत बन गया, इतना गैप तो आपको कहीं मिलेगा ही जितना यहाँ गैप बना हुआ है, गैप बहुत बन गया था, बट ये फिर से इस हरी कैंडल ने काट के इसका हाई काट दिया 15,026 का, तो भैया फिर मुझे लग गया पता, ये पूरे 13-14 जो महीने का इसकी जीवन रेखा का है वो लेगा पूरे, और वो टाइम भैया हो सकता है कल अगले मंथ में, नवंबर तो दिसंबर तक तो 16,000 के नीचे आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।